हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अवर चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स एवरी ड्रॉप काउंट्स सो लेट अस कंटिन्यू विद अवर चैप्टर ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल आर देयर एनी फील्ड्स फार्म्स पक्का रोड्स ड्रेन्स एक्सेट्रा इज द एयर स्लोपि rocky or flat think what will happen here when it rains where will the rain water go into the drains pipes or pits or is some water also getting soaked into the soil so students aapke ghar ke aas pass maidan hai khet hai pakka road hai ki drains se वो आपको observe करना है आपके आसपास का एरिया कैसा है स्लोपिंग है ढलान वाला है या पथरीला है या फिर फ्लैट ये आपको देखना है और जब बारिश होती है तो क्या होता है पानी कहाँ जाता है ड्रेन्स में जाता है पाइप्स में जाता है कि पिट्स में जाता है ये सब गड्ढों में भर जाता है तो ये सब आपको ऑब्जर्व करना है ठीक है सो वट विल बी द आंसर फॉर दिस यस हमारे घर के आसपास फील्ड्स भी रहते हैं फार्म्स भी होते हैं एंड कॉन्क्रीट रोड्स होते हैं अराउंड आवर होम एंड और आवर स्कूल ओके सो द एरिया अराउंड माई स्कूल इज बेसिकली फ्लैट हमारे स्कूल के आस पास के एरिया कैसे हैं फ्लैट हैं एंड येस देर आर फील्ड्स फार्म कॉन्क्रीट रोड ड्रेन एक्ट्र अराउंड माई स्कूल द एरिया अराउंड माई स्कूल इज बेसिकली फ्लैट वेन इट रेन्स द ग्रेन वाटर गोज़ इन टू द ड्रेन पाइप एंड पीड्स सो जब बारिश होती है तो कॉन्क्रीट रोड होने की वजह से सारा जो पानी है वो पीड्स में पाई ड्रेन्स में चला जाता है ड्रेनेज में चला जाता है सम वाटर इज ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय सॉइल जहाँ प्लांटिंग की होती है तो वहाँ पे सॉइल होता है तो वहाँ पे भी एब्जॉर्ब हो जाता है देन ड्रॉप बाय ड्रॉप बीसाइड्स जैसलमेर मेनी प्लेसिस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल य ड्रेन ओनली फॉर अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर समटाइम्स नॉट इवन दैट मच सो जैसलमेर के अलावा भी राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है और यहाँ पे सिर्फ कुछ दिनों के लिए बार पूरे साल भर में कुछ सिर्फ कुछ दिनों के लिए बारिश होती है या कई बार उतनी भी नहीं होती द रिवर्स ईयर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर पूरा साल नदियों में पानी भी नहीं रहता एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेज़ इन दिस एरियाज डि नॉट है शॉर्टेज ऑफ वाटर सो यहाँ पे पूरा साल बारिश भी नहीं होती कुछ दिन बारिश होते हैं नदियों में भी पानी नहीं होता फिर भी यहाँ के गाँव गाँवों में पानी का शॉर्टेज नहीं होता वो क्यों नहीं होता पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रिशियस लोगों को पहले से ही पता है कि पानी का हर एक बूंद बहुत कीमती है लेक्स एंड जो हार्ड्स वेयर मेड टू कलेक्ट वाटर लेक झील और जो बनाए जाते हैं जो बनाए जाते हैं पानी को कलेक्ट करने के लिए वाटर वॉज एवरी वन नीड्स तो वाटर वॉज एवरी वन नीड वाटर हर एक जन की ज़रूरत है वन एंड ऑल केम टूगेदर इन दिस वर्क बीट ए बिजनेस मैन और अ लेबर सो चाहे कोई मजदूर हो चाहे कोई व्यापारी हो बड़े से बड़ा लेकिन वो मिल के इस काम में आगे आए और उन्होंने झील जो हर्ड ये सब बनाए सब वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ट इंट द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड स्टेप वेल बाबड़ीज ओके दर सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंडफरटाइल सो क्या होता है जब बारिश होती है तो स्लोपिंग एरिया होता है तो पानी सीधा निकल जाता है बट ये झील बनाने से लेक लेक होने की वजह से या फिर जोहट बनाने की वजह से वो पानी वहाँ रुका रहता है और पानी रुका रहता है तो धीरे धीरे वो सॉइल के अंदर जाता है ग्राउंड के अंदर वो सोख हो जाता है आपने देखा होगा आप गमले में पानी डालते हो पान, तो पान मिट्टी पानी सोख लेती है तो पानी नीचे जाता है उसी तरह ग्राउंड भी जब पानी सोख करता है तो वो नीचे जाता है और आसपास के जो कुएँ होते हैं स्टेपवेल होते हैं मतलब बावड़ी जो होती है स्टेपवेल को कहते हैं बावड़ी वो भर जाती है और इस इसकी वजह से जो साइल है ज़्यादा देर गिल्ले होने की वजह से वो फर्टाइल उपजाऊ भी हो जाती है वहाँ पौधे भी उगने लगते हैं इवन एवरी हाउस हैड सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट हाउ डू यू थिंक द रेन फॉल दट फॉल्स अंडरग्राउंड टैंक ये है एक वाटर को कलेक्ट करने का तरीका बहुत सारे घरों में यह आपको देखने को मिलेगा इसमें कैसा होता है ये है रूफ यह है घर की छत और यहाँ पड़ती है बारिश हमारी बारिश सब जगह गिरेगी तो छत पे जितनी भी बारिश हो हो वो पानी कलेक्ट होगा ये पाइपलाइन वो छत पे जो कलेक्ट होगा पानी वो पाइपलाइन के थ्रू डाला जाता है अंडरग्राउंड टैंक स्टोरेज टैंक बनाया जाता है ये देखिए ये पाइप यहाँ से कनेक्टेड है और वो ओपन हो रहा है सीधा अंडरग्राउंड टैंक में और ये अंडरग्राउंड टैंक में आ जाता है पानी बारिश का पानी कनेक्ट हो जाता है और जब भी करके लोगों को घर के कामों के लिए पानी की ज़रूरत होती है तो वो इस तरीके से बाल्टी डाल के या इलेक्ट्रिक पंप के मोटर से सहायता से वो पानी को ऊपर ले लेते हैं या बकेट डाल के पानी को ऊपर ले लेते हैं तो इस तरीके से हर घर में इस तरीके का अरेंजमेंट किया होता है ये जो प्रोसेस होता है जिसे रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और फिर फ्यूचर में उसे यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट वर्क्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग ओके ये देखिए ये है एक जोहड़ का डायग्राम जोहड़ का पिक्चर देखिए इस तरीके से स्लोपिंग एरिया रहेगा वो सारा पानी रेन वाटर को नीचे बहने नहीं दिया जाता उसे कलेक्ट कर लिया जाता है कई बार बड़े जोह से छोटे छोटे जोड़ कलेक्टेड होते हैं ताकि जो पानी बड़े जोड़ में अगर भर जाए तो छोटे जोड़ में आ जाए और ये पानी धीरे धीरे ज़मीन में रिश्ता जाता है और फिर उसके बाद आस के कुएं होते हैं वो भी भर जाते हैं देखिए इस तरीके से है ये ये पानी आ रहा है उसे नीचे बहने नहीं दिया जा रहा इसे एक उसको बंद करके उसको रखा जाता है और यहाँ बनाया गया जोहर, यह है ये है जोहड़ और यहाँ से पानी नीचे सींच जाता है आ जाता है नीचे और आसपास के की जो भी वेल होती है वो भर जाती है इस तरीके से कुएं भी कुओं में भी पानी आ जाता है देन ये है स्टेप वेल ठीक है जैसे कुआं होता है कुएं में हम लोग बाल्टी डालते हैं और फिर पानी निकाल लेते हैं पर इस स्टेप फेल में क्या होती है सीढ़ी दी गई होती है ताकि हमें चाहिए तो नीचे से हम खुद जाके पानी ले आए ये देखिए इस टेप की सीढ़ियाँ हैं यहाँ से अगर कोई यहाँ पे खड़ा हो तो यहाँ से धीरे धीरे करके वो नीचे उतर सकता है और पानी लेके आ सकता है तो एक को होता है कुआं जिससे पानी बाल्टी डाल के निकाला जाता है खींचा जाता है और दूसरा होता है स्टेपवेल जिसमें आदमी खुद बकेट या जो कुछ भी है उसमें पानी लेके आ सकता है और फिर हमने देखा कि किस तरीके से लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं छतों पे पानी को कलेक्ट किया जाता है उसे एक पाइपलाइन के थ्रू अंडर वाटर टैंक में भेजा जाता है और फ्यूचर में जब भी पानी की जरूरत होती तो उस पानी को यूज़ किया जाता है हैव यू एवर सीन द स्टेपवेल लुक एट द पिक्चर तो यह है पिक्चर स्टेपवेल का

सो so, इतनी लंबी स्टेपेल बनाई जाती है उसमें बकेट डाल के पानी खींचने से अच्छा नीचे जाके भी लोग लेके आ सकते हैं दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेपवेल्स क्योंकि इसमें स्टेप्स होते हैं इसे कहा जाता है स्टेपवेल ओके लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद देयर कार्बन्स ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स सो बहुत सालों पहले लोगों के पास बस या ऐसे व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे ट्रेन नहीं हुआ करती थी तो लोग कैसे करते थे लोग अपने सामान के साथ और एनिमल्स के साथ लंबी लंबी यात्राओं पर निकल जाते थे पीपल फेल्ट इट वॉज अ वेरी इट वॉज़ अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्जी ट्रेवलर्स सो थर्स दे विल मैनिस्ट ब्यूटीफुल स्टेपविल्स सो लोगों को ऐसा किसी को पानी पिलाना किसी प्यासे मुसाफिर को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है ऐसा माना जाता है और इसीलिए उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल से स्टेपविल्स भी बनाए ओके देन हैव यू एवर फेज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया इफ़ यस देन वॉट वॉज द रीज़न फॉर इट सो क्या कभी आपके एरिया में आपको वाटर का शॉर्टेज हुआ है और अगर हुआ है तो क्या क्यों हुआ है सो इन अवर सिटी वी रेयरली फील फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर हमें बहुत बहुत रेयरली कभी वाटर का शॉर्टेज होता है हमें एवरी टाइम पानी अवेलेबल होता है कभी कभार ऐसा होता है कि जो सप्लाई वाटर सप्लाई बोर्ड है वहाँ से कभी पानी के कनेक्शन में मेंटेनेंस की वजह से पार रुकावट हो जाती है या फिर कभी इलेक्ट्रिसिटी लंबे टाइम तक नहीं रही है तो बिल्डिंग्स में पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता है तभी हमें पानी के शॉर्टेज होती है अदरवाइज वी डोंट फेस एट सच शॉर्टेज ऑफ वाटर टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डरली पर्सन फाइंड आउट व्हेन दे वेर ऑफ योर एज सो यही प्रॉब्लम आपके ग्रैंड मदर को पूछनी है कि क्या उनके टाइम पे उन्हें वाटर शॉर्टेज फील होता था तो यस दे यूज़ टू गेट वाटर फ्रॉम वेल्स बावड़ी, स्पॉन्ट्स रिवर्स एंड पंप्स तो नल का काफ़ी कम यूज़ होता नल काफ़ी कम थे दादा दादी लोगों के टाइम पे तो कुएँ से बावड़ी से झील से तालाब से या इन सब जगहों से पानी लाया जा सकता था नदियों से हैंडपम्प यूज़ किया करते थे लोग तो इस तरीके से पानी उन्हें लाना पड़ता था बट आज हम लोग ये सब चीज़ें बहुत कम यूज़ करते हैं हमें हमारे घर में सप्लाई का पानी चलता है ओके देन फ्रॉम वेयर डीड दे गेट वाटर फॉर द हाउस हैज देयर अ चेंज नाउ तो यस वो लोग यहाँ से पानी लाया करते थे और यस yes, यहाँ पे चेंज हो गया है वी गेट सप्लाई वाटर देन व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वे मेड फॉर ट्रेवलर्स फॉर एग्जाम्पल प्याओ मशाक लेदर बैग और एनी अदर सो so, पहले के टाइम पे लोग जो ट्रेवलर्स होते थे मुसाफिर होते थे उनके लिए प्याव बनाए जाते थे या तो फिर वो अपने साथ लेदर बैग मतलब मशाक लेके चला करते थे देखिए इस टाइप का होता है ये मशाक लेदर बैग इसमें लोग पानी भर के लेके जाते देखिए ये आदमी लड़ाई में इस घायल सिपाही को पानी पिला रहा है तो इस तरीके के होते हैं लेदर बैग जो लोग ट्रेवल्स में भी लेके जाया करते थे सो नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल तो अभी के लोग क्या करते हैं नाउ वी कैरी वाटर बॉटल्स विद अस हम हम लोग वाटर बॉटल्स कैरी करते हैं पहले के ज़माने में वाटर बॉटल्स नहीं हुआ करती थी अभी हम लोग वाटर बॉटल कैरी करते हैं और वी फाइंड वी आर एबल टू इजीली फाइंड मेनी स्टॉल्स और इवन uh, प्याव जो प्याव रहता है या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होती है वो बहुत इजीली अवेलेबल रहती है हमें आजकल देन कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर सो हमारी uh, इंडिया जो है हमारा इंडिया जो है वो बहुत सारी संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है बहुत uh, हमारी जो संस्कृति बहुत ही रिच है तो उसमें एक कस्टम है एक रिवाज है कि वाटर से रिलेटेड एक रिवाज़ है चलिए आइए देखते हैं वो किस तरीके का है इवन टूडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स धारा स्टेफविल्स एंड नौलाज तो इंडिया के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पुराने झीरो से धारा से या स्टेफवेल्स या नौलाज से पानी भरा जाता है लिया जाता है मैंने कस्टम और फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू वाटर सो बहुत तरीके की प्रथाएं रिवाज जो जुड़े हुए हैं त्यौहार भी कई तरीके के जुड़े हैं पानी से एट सम प्लेसेस व्हेनेवर लेक्स गेट फिल्ड अप विथ रेन वाटर द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट तो जब भी वहाँ कई जगहों पे जब झील है वो पानियों से पानी से बारिश के पानी से भर जाती है तो लोग उसके आसपास आके सेलिब्रेशन करते हैं सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू न्यू विलेज शी बोज टू द स्प्रिंग ऑफ द पॉन दिटी इन सिटीज़ वी कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम द न्यू ब्राइड वर्कशिप्स द टैप इन अर होम कैन वी इमेजिन यूवन इमेजिन लाइफ विदाउट वॉटर सो उत्तराखंड में ये इस तरीके का कस्टम है इस तरीके का रिवाज है कि जब भी कोई दुल्हन uh, अपना घर छोड़ के नए गाँव आती है तो वो वहाँ की जो आ, स्प्रिंग है या पॉन्ड है उसकी पूजा करती है उनके सामने सर झुकाती है तो इस तरीके से वहाँ पे पानी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है उनके पानी की पूजा की जाती है आ, इन सिटीज़ में क्या होता है सिटीज़ में जो लेडीज़ होती है तो वो घर के घर में नल की ही पूजा कर ली जाती है तो हमारे लिए पानी का कितना महत्व है ये आप सोच सकते हैं हमारी लाइफ के लिए देखिए ये है एक नोलास का पिक्चर मैंने डाला है इसमें देखिए एक थोड़ा घर जैसा बनाया जाता है या स्टोन जैसा टैंक जैसा होता है पत्थर का टैंक जैसा और वहाँ से पानी बाहर आता रहता है तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नौलास देन do डू uh, have some special pots of what for water at your place? so क्या आपके घर के घर में क्या uh, कोई special pots है पानी भरने के लिए look water is being filled in this beautiful copper pot देखिए copper pot में बहुत ही सुंदर तरीके से और सुंदर तरीके का copper pot है उसमें ये पानी भरा जा रहा है द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर यहाँ पे ब्रास का है ये पॉट ये येलो ये ये कलर का रहता है इसकी जो चमक है शाइन है येलो कलर की आती है और इसकी शाइन थोड़ी रेडिश रहती है रेड कलर की रहती है रेड एंड येलो मिक्स रहता है कलर देन मैनी स्टोन कार्विंग्स आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हैव यू एवर सीन एन ए ब्यूटिफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर वेयर सो यस आप इस तरीके के आप लोगों ने अपने गाँव के आसपास या कोई ऐतिहासिक इमारतों के आसपास आपने इस तरीके के स्टोन कार्विंग्स देखे होंगे कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के पास ऐसे स्टोन कार्विंग्स बनाए जाते हैं पत्थरों के ऊपर कुछ चीज़ें उभारी जाती हैं इस तरीके से देखिए तो आपने ये जरूर देखा होगा कभी ओके स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय